हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ एग करी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसके लिए मैंने एग को बॉईल कर लिया था और इसे हम छील लेंगे। तो देखिए, छील लिया मैंने, छील के हम अलग रख लिए और फॉर्क के हेल्प से हम इसमें होल होल कर देंगे ताकि हम इसे फ्राई करें ना तो वो फट के बाहर नहीं आ जाए। तो इसे हम अच्छे से होल कर लेंगे और फिर इसके बाद अनियन और जिंजर और गार्लिक हम इसमें ले लिए थे, उसे मोटा मोटा ही कट करेंगे हम और इसे फ्राई कर लेंगे हल्का सा, क्योंकि हम इसे पेस्ट बनाएंगे ना तो ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमारा फ्राई हो रहा है और इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे जब तक कि हमारा फ्राई हो रहा है। देख लीजिए, फिर ये मैंने निकाल के अलग कर लिया था इसे और मैं मिर्च डालना तो भूल ही गई थी, इसलिए हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे और रेड चिली भी डालेंगे। देखिए कितना फट गया, इसलिए आप लोग थोड़ा सा दूर रहिएगा क्योंकि मैं ना वो मिर्च में वो होल करना भूल गई थी, इसलिए वो फट गया, मुझे याद ही नहीं था बिल्कुल भी। आप लोग ध्यान से मिर्च में से चाकू से ऐसे कर लेना ताकि वो फटे नहीं। और मैंने यहाँ पे एग को फ्राई होने के लिए रख दिया था और हमारा एग फ्राई हो रहा, जब तक तब तक हम इसे पीस लेते हैं। और देखिए पीस के मेरा पेस्ट रेडी हो गया वो अनियन वाला और हमारा उधर एग भी फ्राई हो चुका है। तो फिर मैंने यहाँ ऑयल में वो तेज़पत्ता जीरा डाल दिया था और इसमें ऐड करेंगे हम सूखी लाल मिर्च। फिर इसे पकने के बाद हमने जो पेस्ट बनाया था अनियन टमाटो का वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे जितना इसके लिए सही होता, 2-3 चम्मच के आसपास हम इसमें नमक ऐड करके फिर हल्दी डाल देंगे। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा दिख रहा है ग्रेवी, और फ्राई होने के बाद और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था थोड़ा धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था मैंने, और कश्मीरी मिर्च का ना थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि उससे बहुत अच्छा कलर आता है उसमें। और फिर गरम मसाला भी डाल दिया था मैंने, वो मैंने बताना भूल गई सॉरी। और फिर हमारा ये ग्रेवी फ्राई हो चुका है, हम इसे ढकेंगे नहीं क्योंकि हमने तो प्याज को पहले ही फ्राई कर लिया था, तो फिर ये तो पका ही हुआ था तो हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। देखिए हमारा कैसे पक गया है, और थोड़ी देर और पकाने के बाद देखिए हमारा तेल ये अलग होने लग गया है। तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और जो हम ग्रेवी के लिए हम उधर पानी गर्म करके रखे रहेंगे क्योंकि हम इसमें गर्म पानी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारी ग्रेवी अच्छी रहेगी और वो सॉगी सा हो जाता है ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगता कि ठंडा पानी डालने से, इसलिए हम लोग गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे। और हमारा ये ग्रेवी रेडी हो चुका है हल्का सा वो उबलने के बाद, हम इसमें जो वो अंडा फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड करके हम मिक्स करेंगे इसे। देखिए हमारा एग करी रेडी हो रहा है, इसे हम अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें धनिया पत्ती डाला था। देखिए हमारा एग करी कितना अच्छा दिख रहा है, कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, ऑयल ऊपर से आ गया है, लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर हम इसमें गार्निशिंग कर देंगे धनिया पत्ती से और कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना होगे, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने रिलेटिव्स को शेयर भी करना ये वीडियो। बाय बाय, अपना ख्याल रखो।